दोस्तों क्या आपको पता है फैक्ट्री में नकली चिकन कैसे बनता है, फैक्ट्री में नकली चिकन कैसे तैयार किया जाता है इसे बनाने के लिए, और किन जानवरों की चर्बियों का इस्तेमाल होता है, उन बिचारों के साथ कितना शोषण होता है, और शायद ही आपको पता हो इन्हें खाने लायक बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल का यूज किया जाता है। आज चिकन लोगों का सबसे पसंदीदा आहार बन चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि जहां से यह चिकन आता है वह कितना खतरनाक है और कैसे फैक्ट्री में बन रहा। नकली चिकन हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। फैक्ट्री में दो तरीके की मुर्गियां होती है। सबसे पहले मुर्गी तो वह होती है जिनके हम अंडे खाते हैं, और दूसरी मुर्गियां होती हैं बॉयलर्स, जिन्हें हम काट कर खाते हैं, जिनके चिकन के हम दीवाने हैं। अब इन बॉयलर्स को तैयार करने का तरीका बहुत ही अजीब है और आपने शायद इसे आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। चलिए जानते हैं वह सारे तरीकों के बारे में। सबसे पहले तो जो मुर्गियां अंडे देती है उनके अंडों को अलग किया जाता है, जिसमें बच्चा होता है उसे अलग किया जाता है, जिसमें बच्चा नहीं होता है उससे अलग कर दिया जाता है, जिससे कि इसमें दो पार्टीशन हो जाते हैं। सबसे पहले अंडों को जमा करके एक कॉन्वर बेल्ट के ऊपर डाला जाता है, उसके बाद में कन्वर्ट बेल्ट के थ्रू फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। लेकिन इस बेल्ट के ऊपर इनको काफी सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे कि उन्हें स्कैन किया जाता है, उनका साइज मेंटेन किया जाता है और हर चीज को ध्यान से देखा जाता है। उसी के बाद में वह फैक्ट्री के अंदर पहुंच पाते हैं। इसके बाद में एक ऑटोमेटिक मशीन इन सभी अंडों को लेकर एक प्लास्टिक बॉक्स में रखने का काम शुरू कर देती है, एक एक करके इंक्यूबेटर चेंबर में डाल देती है। अगर आप अब ये सोच रहे हो कि ये इंक्यूबेटर क्या है, तो आपको मैं बता दूं इसके बारे में, ये एक आर्टिफिशियल तरीका है अंडों को हेच करने का। जैसे कि मुर्गी अपने अंडे को हेच करती है, वैसे ही यह मशीन आर्टिफिशियल तरीके से इन अंडों को हेच करती है, जिसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं। कुछ वक्त के बाद अब आप देख ही सकते इस मशीन में जैसे इन अंडों को रखा गया, उसके 7 दिन बाद इन अंडों में से बच्चे किस तरीके से बाहर निकलने लगे। अब कुछ स्टाफ मिलकर इन बच्चों को इन अंडों से बाहर निकालकर इन बॉक्स में भरना शुरू कर देता है। अभी ये प्रक्रिया आपको देखकर लगेगा कि ये तो बहुत आसान तरीका और इसमें तो कोई चीज की तकलीफ नहीं है, लेकिन ये चूजे ही जानते हैं कि इन्हें इसमें कितनी तकलीफ हो रही होगी। इनमें से कुछ ऐसे अंडे होते हैं जो सही से हेच नहीं हो पाए और उसमें से बच्चे बाहर अपने आप नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टाफ होता है जो इन्हें जोर जबरदस्ती से बाहर खींच कर निकलता है। अब असली तकलीफ शुरू होती है पोल्ट्री फार्म के अंदर, जहां पर उनकी जिंदगी बेहद अजीब होने वाली है। जैसे ये पोल्ट्री फार्म में आते हैं, यहां पर काम करने वाले कर्मचारी इन्हें किसी सब्जी की तरह या फिर किसी कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं उनके साथ कितना ज्यादा जुल्म होता है और इन्हें किस तरीके से अलग जाता है। अब एक जगह से दूसरी जगह इन्हें ट्रांसफर करना हो तो फैक्ट्री में तो वह इस तरीके से पॉलिथीन के अंदर पैक करते हैं और इधर से उधर फेंकते हैं, जैसे कि इसके अंदर कोई जानदार चीज ना हो, कोई सामान हो। पर जो बच्चे मर जाते हैं उनके साथ तो बहुत ही बुरा होता है, आप वीडियो में देख सकते हो। सबसे पहले तो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, उसके बाद में उनकी गर्दन को काटा जाता है और उन्हें एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि उनका भूसा बन जाता है। पूरा पोल्ट्री फार्म में आने के बाद इन बच्चों के साथ में बेहद ही कठोर काम किया जाता है। इनको सबसे पहले एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। और आप जो चिकन की दुकानों में चिकन देखते हो, उनकी उम्र 1 से 2 महीना होती है और इन्हें इंजेक्शन कितनी बेरहमी से दिया जाता है, आप वीडियो में देख ही सकते हो। अब इसके बाद में हर दिन इन्हें एक नया केमिकल दिया जाता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ और फास्ट हो और इनका वजन ज्यादा गेन हो जाए, जिससे कि ये काफी विशाल दिखने लगे। इसके लिए उन्हें अलग अलग तरीके के ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जो हमारी इंसानों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो इन चिकनस में सबसे ज्यादा कैंसर भी मौजूद होता है, जिन्हें खाकर हमें भी कैंसर हो सकता है। लेकिन ये चीज के बारे में आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा ओवर केमिकल्स अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे कहने कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इसके बाद में जो इनमें से जो मुर्गियां निकल जाती हैं, उन्हीं के अंडे फिर मार्केट में आते हैं और वही एंड हम लोग कहते हैं। आपको मैं बता दो, इन अंडों की वजह से हमें ब्लड प्रेशर और भी कई सारी बीमारियां होने का खतरा होता है। अगर उसे मुर्गी को कैंसर हो तो उसके अंडे में भी 80% चांस के कैंसर आएगा ही, और ही कैंसर वाले एंड हम खाकर हमारे अंदर भी हम बहुत सारी बीमारियों को पाल रहे हैं। इसीलिए इन चीजों से बच्चे और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त फैमिली रिलेटिव भी इस चीज का पता रहे।